तो मेरी गोद में है अंगूरा प्रजाति का खरगोश। ये कितने साल का है? मतलब महीने का है, साल का है? डेढ़ साल का। और ये कितने टाइम तक जिंदा रहता है? 5-6 साल जिंदा रहता है। तो गाइज ये है मनाली का हमारा रूम और यहाँ हम लोग 2 दिन रहने वाले हैं। सुमित यहीं से काम कर रहा है, मैं उधर बैठ के अपने वीडियो एडिट करने में लगा हूँ। तो फिलहाल ये है वर्क स्टेशन। तो गाइज सुमित कर रहा है रूम पे वर्क क्योंकि वीकडेज हैं। कल का पूरा दिन मैंने भी वीडियो एडिट करा था और आज मैंने सोचा कि मैं अकेले ही हिडिम्बा मंदिर की ओर को चलता हूँ। तो मैं मनाली में हूँ और इस समय मैं जा रहा हूँ हिडिम्बा मंदिर की ओर को, जो यहाँ से कुछ 3.5 किलोमीटर दूर है। मैं कुछ 2 किलोमीटर चल चुका हूँ और पूरी की पूरी रोड खाली है क्योंकि टूरिस्ट भी यहाँ पे काफ़ी कम है। और मैं जा रहा हूँ हिडिम्बा मंदिर की ओर को, जिसे ढुंगारी मंदिर भी कहा जाता है यहाँ पर। और वहीं पर घटोत्कच मंदिर भी है और एक म्यूज़ियम भी है, क्योंकि मैं बहुत पहले भी यहाँ पर 2-3 बार आ चुका हूँ। मेरे जस्ट पीछे है महामाया दुर्गा मंदिर और इसके कपाट जो है अभी बंद हैं। हम चलते हैं वापस हिडिम्बा मंदिर की ओर को। तो गाइस मनाली में अगर आप घूम रहे हैं, जैसे कि हम लोग इस बार कार से आए हैं, यहाँ बाइक रेंट पे ले सकते हैं और साइकिल रेंट पे ले सकते हैं। और क्योंकि मैं कुछ दिनों से लगातार बैठा बैठा ही हूँ, तो मैंने सोचा कि आज का पूरा दिन ट्रैकिंग करी जाए। और हिडिम्बा मंदिर जो मेरे होटल से है वो कुछ 3 किलोमीटर दूर है, फिर हम यहाँ 1-2 जगह और जाएंगे। तो आज पूरा दिन ट्रैकिंग होने वाली है। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ हिडिम्बा मंदिर के पास। जो पूरा एरिया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये पूरी जगह जो है आने का रास्ता और मंदिर देवदार के घने पेड़ों से घिरा हुआ है। बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पर आके। मेरे जस्ट पीछे जो आपको दिख रहा है वो है हिमाचली याक। अगर आप लोग लद्दाख को जाएंगे तो इससे भी बड़े साइज़ के याक दिखेंगे आपको, ये काफ़ी छोटा याक है। तो गाइस मैं हूँ इस समय हिडिम्बा मंदिर पे और इसे बनाया गया था 1553 पे कुल्लू के महाराजा जो हैं बहादुर शाह, उनके द्वारा। पांडवों में जो भीम थे उनकी शादी हुई थी राक्षसी हिडिम्बा से। कहते हैं कि हिडिम्बा अपने भाई हिडिम के साथ इसी जंगल पे निवास करती थी और उसने कसम खाई थी कि जो भी उसके भाई को युद्ध में हरा देगा वो उसी के साथ शादी करेगी, क्योंकि हिडिम्बा काफ़ी ताकतवर था। और जब पांडव इस जंगल में आए थे तो उस टाइम पे महाबली भीम ने हिडिम्बा को हराया था और उनका वध कर दिया था। उसके बाद हिडिम्बा और महाबली भीम की शादी हो गई थी। वनवास पूरा होने के बाद जब वो लोग वापस गए थे तो हिडिम्बा और महाबली भीम का पुत्र हुआ था, जिसे घटोत्कच कहा गया था। और महाभारत युद्ध में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाया था और महापराक्रमी कर्ण के द्वारा घटोत्कच का वध हुआ था। इस जगह पे ही कहा जाता है कि हिडिम्बा जी ने उसके बाद अपना राक्षसी रूप त्याग के काफ़ी तपस्या करी थी और यहीं पे उनकी पूजा करी जाती है। मेरे पीछे जो मंदिर है वहाँ पे एक शिला है जिसको उनके रूप में पूजा जाता है। अगर आप मंदिर को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो मेढ़े होते हैं उनके सींग चढ़ाए गए हैं। जिस तरह अगर आप मंदिर में जाते हैं कहीं पे चुन्नी चढ़ाई जाती है और घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं, इस मंदिर पे पुराने जो हैं वो मेढ़े के आपको सींग दिखेंगे चढ़े हुए।
रूप में अंगोरा प्रजाति का खरगोश। ऊल होता है उसे क्या क्या बनता है? शॉल बनती, स्वेटर बनती, कैप बनती और कितने जुराब भी बनती। कितने खरगोशों का करीब लग जाता है इसमें? बुल जी, बुल का तो पता नहीं लगता बेटा, कम निकलती ना ये। और इसकी आपने जैसे बताइए 5-6 साल तक का जिंदा रहता है। हाँ जी। और इनके बच्चे कितने होते हैं टाइम पे? बच्चे तो बेटा बड़े भारी होते हैं, कभी 9 होते हैं, कभी 7 होते हैं। हिडिंबा मंदिर के जस्ट पीछे है दूनागिरी वन विहार। यहाँ पे आप टिकट लेके अंदर जाके घूम सकते हैं, पर आज यहाँ ताला लगा है, आई थिंक कोरोना वायरस की वजह से शायद है। तो चलते हैं घटोत्कच मंदिर की ओर को। तो गाइस मैं हूँ हिडिंबा मंदिर और घटोत्कच मंदिर के जस्ट आगे। इस जगह पे बहुत सारी चीज़ें करने को हो सकती हैं। आप यहाँ पे याक के साथ फ़ोटो खिंचा सकते हैं, अंगूरा खरगोश जो होता है, कुछ हिमाचली औरतें उनको लेके यहाँ पे बैठे रहती हैं, आप उनके साथ फ़ोटो खिंचा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। और यहीं से जो सीधा रास्ता पीछे की ओर को जाता है वो है हिडिंबा मंदिर की ओर को। मेरे जस्ट आगे जो रास्ता है वहाँ से आप जा सकते हैं घटोत्कच मंदिर को, और वहीं पे एक म्यूज़ियम भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। उनका साइज छोटा है, क्योंकि मैं जब लद्दाख गया था तो मैंने काफी बड़े साइज के देखे हैं। और अगर आप जंगली याकों को देखते हैं तो उनका साइज इनसे भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो गाइस मेरे जस्ट पीछे है वीर घटोत्कच जी का मंदिर। ये महाबली भीम और हिडिंबा जी के पुत्र थे। इन्होंने महाभारत के युद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। इन्हीं की वजह से जो युद्ध का परिणाम है वो थोड़ा अलग आ सका, क्योंकि महापराक्रमी कर्ण के पास एक ऐसी अमोघ शक्ति थी जिसे वो अर्जुन के मारने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, पर घटोत्कच जी ने रात पे कौरव सेना के शिविर पर आक्रमण करके उन्हें मजबूर कर दिया कि वो शक्ति उनके ऊपर इस्तेमाल करें, और इस तरह उन्होंने अपना बलिदान दे के जो महाभारत का युद्ध था उसका परिणाम को एक अलग ही दिशा दी। यहाँ जस्ट पीछे इनका मंदिर है, इसके जस्ट आगे जाके अगर आप थोड़ी दूर में जाएंगे तो वहाँ पे इनके माता जी हिडिंबा जी का मंदिर है। घटोत्कच जी के मंदिर पे जैसे हम लोगों के मंदिर पे चुनरी या फिर घंटी चढ़ाई जाती है, यहाँ पे चांदी या लोहे की चिड़िया चढ़ाई जाती है, और पूरे मंदिर पे आपको चांदी और जो लोहे की चिड़िया है वो चढ़ाई हुई दिख जाएंगी काफ़ी जगह पर। ये जो जैसे मंदिर में वो लिखा है ना चांदी और लोहे की चिड़िया चढ़ाई जाती है, जो पीछे वो रखे हुए हैं मंदिर, वो जो केज जैसे रखे हुए हैं ना, वो किस चीज़ के लिए? ये एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने अपने मकान के बारे में सोचा होगा जी जी, वो बनाकर यहाँ चढ़ाएंगे। अच्छा, किसी ने सोचा कि मकान बन जाए करके, हाँ, तो उसकी मन्नत मांगने के लिए उसे बना के रखते हैं। मुझे लगा वो है नहीं, चिड़िया को रखने नहीं, नहीं, वो एक्चुअली घर का शेप है। नहीं, हाँ, बस घर बनाए हुए हैं। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पे आपको चांदी की और लोहे की चिड़िया तो दिखेगी, साथ में कुछ इस तरह के ये छोटे घर दिखेंगे। मैंने जब यहाँ पे पूछा तो पता लगा कि इसे जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उसकी मन्नत मांगते हैं उसके लिए इसे चढ़ाते हैं यहाँ पे। घटोत्कच मंदिर के जस्ट नीचे है म्यूज़ियम, तो यहाँ चलते हैं। मैं हूँ इस समय मनाली म्यूज़ियम पे। यहाँ अगर आप आते हैं तो 10 रुपये का बाहर टिकट है, उसके बाद आप अंदर आ जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, यहाँ हिमाचली पुराने जो बर्तन हैं, आर्किटेक्चर है, और जो गडरिए यहाँ पे याक के उनसे बने हुए चीज़ें यूज़ करते हैं वो हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। मेरे जस्ट पीछे जो आपको दिख रहा है ये पत्थर के बर्तन हैं, इन्हें इसका कहते हैं, और इसमें आक्सू करके एक जो यहाँ की हिमाचल की पुरानी डिश है वो बनती है। जो मेरे
मेरे जस्ट पीछे ये आपको गहरे वाले बर्तन दिख रहे हैं, इन्हें कुपड़ कहा जाता था पुराने टाइम पे, इन्हें डेक समझ लीजिए जिस पे बनाया जाता था। ये भी पत्थर के हैं। मेरे जस्ट पीछे जो है इसे घरत या घोत कहते हैं, इसे हमारे वहाँ उत्तराखंड में भी पाया जाता है, पुराने जो गांव हैं वहाँ पे ऊपर से जो आपको दिख रहा है वहाँ से पानी नीचे आता है, और जो ये चक्की पीसने के लिए होती है इसके नीचे के पहिए को जब घुमाता है तो ऊपर जो अनाज डाला जाता है वो पीस जाता है। मेरे जस्ट पीछे जो सेगमेंट है यहाँ पे सारी की सारी जो यहाँ पे पहनने वाले कपड़े हैं जो पहले हिमाचली लोग पहनते थे, क्योंकि जगह ठंडी है तो इसे काफ़ी गर्म ऊन से बनाया जाता था। जो ऊन होता था वो ज़्यादातर आपके बकरी या फिर याक के उससे बनता था, और ये कपड़े जो हैं ठंडे के मौसम में जो यहाँ के गडरिए होते थे या फिर लोग बाहर जाके काम करते थे उन्हें गर्म रखते थे। जस्ट पीछे जो है वो है हैंडलूम यानी कि हथकरघा। जितने भी यहाँ पे ऊन से बनाए जाने वाले आपके मोजे हो गए या फिर शॉल हो गया या जितने भी ऐसे कपड़े होते हैं वो पुराने टाइम पे इसी तरह के हथकरघे से बनाए जाते थे, जो कि पैरों से संचालित किए जाते थे और हाथों से ऊपर जो इनके तागों को है उन्हें कपड़ों का रूप दिया जाता था। यहाँ पे दो प्रकार की जूतियाँ हैं, एक जिन्हें कि आपके भेड़ की जो खाल है उससे बनाया जाता था, और दूसरी वो है जिसे बनाया जाता था आपकी जो घास होती है उससे। मेरे जस्ट पीछे है हिमाचली टोपियाँ जो एग्जीबिशन में रखी गई हैं, वो काफ़ी पुरानी हैं और अगर आप लोग यहाँ आके पहनना चाहते हैं तो आप तो आपको बाजार पे मिलेगी। हिमाचल में जिस तरह की वास्तुकला देखी जाती थी जो पुराने घर होते थे वो कुछ इस तरह लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते थे। मेरे जस्ट पीछे जो एग्जीबिशन है यानी कि इस फ्रेम में जो आपको मॉडल घर दिख रहे हैं वो उसी को दर्शाता है कि किस तरह पुराने जो आपके घर बनते थे। और जो पीछे है वो है गोंडोला किला, ये 7 मंजिला है, ये पूरा का पूरा लकड़ी और पत्थर से बना हुआ है। तो गाइस मेरे पीछे जो क्रिस्टल है इसे कहा जाता है कि एक बौद्ध भिक्षु थे जो कि इसे इस्तेमाल करते थे गरीबों के इलाज के लिए। वो इसे अलग अलग मिश्रणों के द्वारा इसका जो घोल होता है अलग अलग चीज़ों में मिला के गरीबों के लिए दवाई बनाया करते थे। गाइस म्यूज़ियम का जो टूर है वो हो गया ख़त्म। मैं यहाँ से जा रहा हूँ बाहर। अगर आप लोग यहाँ आते हैं और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप लोग ऑडियो टूर भी ले सकते हैं, लेकिन सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे और मैं पहले भी 2-3 बार आया हूँ। तो अब यहाँ से हम जाएंगे खाटू श्याम मंदिर की ओर को। गाइस अगर आप लोग हिडिंबा मंदिर, कतोत्कच मंदिर या फिर खाटू श्याम मंदिर की ओर को जा रहे हैं तो जो इस जगह को सबसे अलग और सबसे खूबसूरत चीज़ बनाती है वो है यहाँ पे चारों ओर का हरा भरा देवदार का जंगल। बहुत ही टनाटन फीलिंग आती है। मैं खुद पहाड़ों में पला बड़ा हूँ तो ऐसी जगह मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती है, पर अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो प्लीज़ इस तरह की कुछ बोतलें फेंकना और रैपर फेंकना ऐसा ना करिए। एक जो जागरूक ट्रैवलर होता है यानी कि जागरूक जो घुमक्कड़ होते हैं उनकी तरह आइए, अपने साथ जितना भी छोटा मोटा कूड़ा लाते हैं अगर आप उसे भरा हुआ ला सकते हैं तो खाली भी ले जा सकते हैं, और उसे प्रॉपर डस्टबिन पे डालें। तो गाइस मैं हूँ खाटू श्याम मंदिर की ओर को। नीचे जैसे कि हिडिंबा माता का मंदिर है और कटोत्कच जी का मंदिर है, ऊपर है
बरबरी जी का मंदिर, जो कि घटोत्कच जी के पुत्र थे और भीम जी के पौत्र थे। इनके पास कुछ ऐसे अमोद तीर थे जिसे कुछ क्षणों में ही पूरी की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे, और ये जिस सेना में भी सम्मिलित होते दूसरी सेना अपने आप ही हार जाती। तो श्री कृष्ण ने इनकी शक्ति को परखने के बाद इनसे एक वचन लिया कि ये अपना शीश उन्हें दे देंगे, और क्योंकि इन्होंने अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया था तो इन्हें खाटू श्याम भी कहा जाता है। और इन्होंने कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने इनका जो सर है वो एक पर्वत पे रख दिया था, जहाँ से इन्होंने बाकी पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध देखा था। तो इनकी यहाँ पूजा होती है और मैं करता हूँ अंदर जाके दर्शन। मनाली पे और मैं खाटू श्याम मंदिर से नीचे की ओर को आ रहा हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है सब कुछ खाली है, रोटी खाली है, केवल मैं हूँ। इस समय बहुत ही टनाटन फील आ रहा है, पूरे देवदार के जंगल में हवा बह रही है और बहुत ही शांत जगह है। इधर आके आप जो एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं वो है ताजे सेबों का बना हुआ जूस, और मैं भी वही पी रहा हूँ और काफ़ी टेस्टी। गाइस अगर आप लोग मनाली में आते हैं शॉपिंग करने के लिए, जो यहाँ पे लोकल की चीज़ें जो मैंने ट्राई करी थी वो थी ड्राई फ्रूट और फ्रूट बर्फी, जो कि प्योर जो आपके फल हैं उनसे बनती है, वुलन क्लोथ्स, और यहाँ काफ़ी फेमस हैं। अगर आप मॉल रोड से ख़रीदते हैं तो आपको महंगे पड़ेंगे, और अगर आप मॉल रोड के इधर उधर जाते हैं जो यहाँ के लोकल बेचने वाले हैं तो आपको काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे। तो गाइस मॉल रोड ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको मास्क पहनना है। वापस जा रहा हूँ अपने रूम की ओर को, सुमित इस समय शायद अपना काम ख़त्म कर चुका होगा, फिर हम साथ जाएंगे घूमने को। कैसा रहा आपका काम दिन भर का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काम भी हो रहा है और घुमाई भी हो रही है थोड़ा बहुत। तुम्हारी जगह नहीं घूम पा रहे? तो मैं आ गया हूँ रूम पे, सुमित अभी भी अपने काम पे लगा है। तो गाइस शाम हो गई है और हम लोग जा रहे हैं अभी थोड़ी देर नीचे को मनाली, जहाँ पे हम रुके हुए हैं उस मार्केट को देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। और पहन के तो अच्छा ही लगेगा, बढ़िया लगता है, ये लोकल कैप बहुत अच्छा लग रहा है। सिड्डू भाई हम खा रहे हैं यहाँ की हिमाचली लोकल डिश जो कि है सिड्डू। लेट्स हैव सम सिड्डू। मोमो से तो बहुत अलग है, अगर से फर्मेंटेड है जो इसका बाहर का ब्रेड है। क्योंकि आजकल वो है ना कि एक तो सीधी सी बात है, इसमें क्या हुआ अपनी आज एक चिराग लेके कस्टमर ढूंढना पड़ता है क्योंकि आजकल तो ऐसा नहीं कि भाई साहब आप ही लोगे दूसरा आएगा, आज बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, फिर उसको भी हम ज़्यादा बताएंगे तो इसलिए कम ही बता देते हैं। तो भाई थोड़ा सा शॉल और जो यहाँ का लोकल हैंडीक्राफ्ट लेना था वो हमने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं वापस मॉल रोड की ओर को। वाला होता तो उससे ज़्यादा मज़ा आता। मछली के दीवाने कौन है? मछली के दीवाने लोग को ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, भीमताल की मछली से क्या लगे इसमें? भीमताल की मछली मैंने कभी ऐसे खाई नहीं है तो ये पूरी खानी है।
शॉर्ट पल्प से तैयार की गई है। पूरा डब्बे ही है क्या इसका? हाँ जी। थोड़ा छोटा भी होगा? छोटा नहीं। ये कितने का? 410। इसमें ग्लेर गुआवा मैंगो पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी। तो ये है हमारा आज का भोजन और इसमें है दाल मखनी, चावल, रोटी। सुमित जो है वो हल्का सा सीट हुआ और वो खा के पेट भर चुका है। मैं ये खा रहा हूँ। इसके बाद स्वीट डिश में है जो हमने फ्रूट बर्फी ली थी। और मनाली आके हमने जितना घूमना था वो घूम चुके हैं, यानी कि मॉल रोड में भी घूम चुके हैं। अब ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म और उसके बाद मिलेंगे आपसे फिर से किसी नए व्लॉग पे जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।